हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज आपके भाई का जो ब्लॉग बनाने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज आपका भाई आया है सुदमा देव में। सो अब हम जाएंगे गौरीकुंड मंदिर में, वहाँ की आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि कैसा यहाँ का मौसम है। हालांकि मौसम की बात करें तो बड़ा अच्छा यहाँ का व्यू है। मेरे साथ आए हैं मेरे ये दो छोटे भाई, इनसे मिलिए। ये है इट्स रफ्तार, इनकी आईडी है इंस्टाग्राम पे, और इनसे मिले। ये है अपने शोभित भाई से। शोभित भाई, क्या कर रहे हो आप? बस सेल्फी ले रहे हैं। और भाइयों, ठीक हो आप? बस ठीक। सो एक और हमारे बड़े भाई आया, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। हालांकि अभी वो दुकान पे गए हैं, पर उनसे मिलवाते हैं आपको थोड़ी देर में। सो दोस्तों, ये है सुदमा देव की पहाड़ी का व्यू। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हो। ये हमारे अंकुश भाई हैं, ये शोभित भाई है, और इनसे मिले ये अपने बिक्की भाई है। बिक्की भाई, कैसा लगा यहाँ का मौसम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना। अच्छा मौसम है, उधमपुर से तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, ठीक है ना टेम्परेचर। ये ऊपर यहाँ पे सामने पहाड़ देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे व्यू यहाँ के। अब हम जाएंगे गौरीकुंड। अंकुश भाई, किसका मंदिर है ऊपर? कौन से भगवान का मंदिर है पता है आपको? मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ पर गुफा भी है मैंने सुना है ना। सो दोस्तों, अभी हमें जाना है यहाँ से। हम अपने बुआ के घर पे आए थे नीचे, जो कि गौरीकुंड से थोड़ा नीचे पड़ता है। सो अब जाएंगे हम, सामने पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी के नीचे में गौरीकुंड का मंदिर है, वहाँ जाएंगे हम। सो फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं गौरीकुंड मंदिर की तरफ। सो हमने फाइनली यहाँ से चढ़ाई शुरू कर दी है। आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। ऊपर आप देख सकते हो, बिल्कुल त्रिकुटा हिल्स की तरह यहाँ पर पहाड़ है ऊपर। बहुत ही अल्टीमेट यहाँ का व्यू है, जो कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अभी हमने जस्ट यहाँ से चढ़ाई शुरू की है। रोड के ऊपर ये रास्ते आता है गौरीकुंड मंदिर की तरफ से। आपको मैं कवरेज करता रहूँगा क्या क्या, कैसा यहाँ का मौसम है और कैसे यहाँ के दर्शन है, कितना रश है। सो आप भी यहाँ पे अभी आ सकते हो, क्योंकि गर्मी के टाइम में यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है। सो मेरे साथ जा रही है मेरे ये तीन कज़न, आपको पल पल की अपडेट आपका भाई देता रहेगा। पाप नशनी बोली है यहाँ पे, कहते हैं जो भी नहाता है गंगा से ज़्यादा, यहाँ पे मान्यता मानी जाती है कि जो भी यहाँ पे नहाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। सो अभी हम जाएंगे ऊपर गौरीकुंड मंदिर। फाइनली हम पहुँच गया है गौरीकुंड में। बिक्की भाई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नीतू भाई तुम बताओ, अंकुश भाई तुम बताओ, ठीक हो ना? बहुत ही अच्छे यहाँ का व्यू है। दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। सो फ्रेंड्स, ये है गौरीकुंड की गुफा, गौरी माता का कुंड इसे ही बोला जाता है, इसी के नाम से यहाँ पे गौरीकुंड नाम पड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। सो ये है हमारे भाई। दोस्तों फाइनली आपका भाई पहुँच गया है गौरीकुंड मंदिर में। अभी हमने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत ही अच्छा यहाँ का मौसम है, यहाँ पे बड़े ही टूरिस्ट आए हैं दर्शन करने के लिए। सो मैं आपको अभी मंदिर का व्यू दिखाऊंगा। हालांकि अंदर फ़ोन ले जाना मना था, सो हम बाहर से आपको कवरेज करके दिखाएंगे। सो अंकुश भाई, कैसा लगा आपको दर्शन करके? अच्छा। सो शोभित भाई, आपको कैसे लगा? सो अभी क्या प्लान है? अभी साथ में एक और मंदिर है, ये है शिव पार्वती मंदिर, इसकी थोड़ी सी कवरेज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है सामने गौरीकुंड मंदिर, बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। ये है सामने गौरीकुंड मंदिर। सो ये चनैनी से थोड़ा ही 20-25 किलोमीटर आगे सुदमा देव में पड़ता है। बहुत ही अच्छा यहाँ का व्यू है। यहाँ पे हर साल मेला भी लगता है। अभी हाल ही में यहाँ पे एक हफ्ते पहले यहाँ पे भंडारा हुआ था। सो जब भी आप जीएनके में आओ, सो यहाँ ज़रूर आओ, बहुत ही अच्छी यहाँ पे जगह है। क्योंकि आप सब जानते हो कि जीएनके में बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, यहाँ पर बहुत ही शक्ति हैं देवी देवताओं की। सो गाइस, ये है सामने शिव पार्वती मंदिर। दोस्तों ये है शिव पार्वती जी का मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। सो सामने आप देख सकते हो, ये शिव जी भगवान की मूर्ति और पार्वती मैया की मूर्ति है, और ये सामने शिवलिंग है। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, यहाँ पे आके बड़ा ही सुकून मिलता है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सो फ्रेंड्स, ये है बजरंग बली का मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये, सामने आप देख सकते हो। क्योंकि जो बजरंग बली थे वो राम भगवान के बहुत ही भक्त, अच्छे भक्त थे, उनके परम पूज्य देवता की तरह उनको सम्मान देते थे।
बजरंगबली राम जी को। सामने आप देख सकती हो ये मूर्ति है राम भगवान सीता मैया लक्ष्मण जी की, बहुत ही अच्छा यहाँ का वो है। सो फ्रेंड्स, ये है गौरीकुंड के नीचे मंदिर के नीचे बैठने की जगह। अगर आप यात्री अगर ऊपर चढ़ते हुए थक जाएं तो यहाँ पे आप बैठ के थोड़ा सा विश्राम कर सकते हो। सो यहाँ से ये आप सामने देख रहे हो एक रोड भी आता है ऊपर। दोस्तों, आपका भाई ऊपर से दर्शन करके आ गया है, बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन किए। हालांकि रश बड़ा था क्योंकि इस टाइम पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, जो भी पत्नीटॉप की तरफ जाते हैं वो सारे सुतमदेव घूमने आते हैं। सो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और इसी के साथ हमारी मेटाडोर भी चली गई है और यहाँ से जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। अब देखते हैं कि अब क्या कर सकती है। अब मुझे लगता है कोई स्पेशल गाड़ी करनी पड़ेगी। सो भाइयों, आप टेंशन मत लो। सो देखते हैं यहाँ पे अब क्या बनता है। सो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।